हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। हम करने वाले हैं आज यूनिट थर्ड ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। जब भी वीडियो आज आप देख रहे हो तो आज हम लोगों ने पार्टनरशिप एक्ट का 15 मार्क्स कंप्लीट कर लेना है। देखो, हम लोग ऑलरेडी आपके एक वीडियो डाल चुके हैं एलएलपी एक्ट की, अब पार्टनरशिप एक्ट हो रहा है और आपसे मुझे एक ओपिनियन पोल चाहिए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा, जो पार्टनरशिप के बाद जो आप वीडियो देखने वाले हो वो सर कंपनी का ले हम लोग या फिर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का, तो आउट ऑफ टू आप चॉइस कर लेना, मुझे कमेंट करके बता देना, जिससे मैं अगला जो वीडियो कल रिलीज़ करूँ उसको मैं प्लान कर सकूँ कि आप लिए क्या बेस्ट मैं दे सकता हूँ। ठीक है जी, तो चलिए आज देखते हैं इस यूनिट थर्ड में हम लोग क्या करने वाले हैं। अभी यूनिट सेकंड में आपने देखा, मैंने आपको समराइज फॉर्म में सेक्शन 9 से सेक्शन 34 तक बताया था। जिन बच्चों ने नहीं देखा तो पहले आप वो वीडियो देख लो, फिर ये यूनिट थर्ड से स्टार्ट करो। अब यूनिट थर्ड में देखो क्या हम लोग 5 टॉपिक कवर करने वाले हैं। 5 टॉपिक को ऑलरेडी मैंने समराइज कर लिया है, बस आपको देना स्टार्ट करने वाला हूँ। अब देखो यहाँ पे हम पहला टॉपिक कवर करेंगे रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म और क्या इंप्लीकेशन हैं। सेकंड, कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, अगर फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो क्या क्या ड्रॉबैक्स होते हैं और किन को होते हैं। थर्ड, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। फोर्थ, डिसोल्यूशन विदाउट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। और एट द एंड है मोड ऑफ गिविंग पब्लिक नोटिस। ये 5 टॉपिक कवर करेंगे। मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, लॉ पूरा का पूरा जब भी आप पढ़िए तो फर्स्ट प्रेफरेंस आपका टॉपिक होनी चाहिए, कितने टॉपिक हमें किस पर्टिकुलर चैप्टर से स्टार्ट करने हैं। ठीक है जी, तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले टॉपिक नंबर 1 से। नंबर 1 क्या है आपका, रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म। ये सेक्शन 58 में दिया गया है, जो टॉपिक यहाँ लिखे हैं इनके अलावा जो मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ मॉड्यूल साथ रखिए और पॉइंट को नोट भी करते चलिए कॉपी में। तो पॉइंट नंबर 1 है डिलीवरी टू द रजिस्ट्रार। अभी रजिस्ट्रार को आप क्या डिलीवर करोगे सर, सिंपली अगर बोलूँ तो आपसे डॉक्यूमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जो आप रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंट फॉर्म फिलअप करोगे उससे आप रजिस्ट्रार को सेंड करोगे। बट पार्ट इज इसमें सर क्या चीज़ें फिलअप होंगी, बहुत ही सिंपल है। आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना लेने वाले हो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना चार्ज करने वाले हो, पार्टनर्स को रेमुनरेशन मिलेगा तो कितना मिलेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, कैपिटल का कंट्रीब्यूशन क्या होगा, ये ड्रॉइंग कौन, ड्रॉइंग की लिमिट्स क्या होंगी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का चार्ज क्या होगा, ये सारी बातें आपको पता है। हम इसको अगर समराइज करें तो एक लाइन में बोल सकते हैं हम क्या सेंड करने वाले हैं सर, डीड और अलॉन्ग विथ फॉर्म। बात ठीक है। पॉइंट नंबर 2 की बात करेंगे, स्टेटमेंट शैल बी साइन बाई ऑल द पार्टनर। यहाँ ज़रा ध्यान दो, स्टेटमेंट शैल बी साइन बाई ऑल द पार्टनर, नॉट मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर। एज्यूम करो आपका क्वेश्चन बना, उस पूरी केस स्टडी को आपने रीड किया, वो 4 मार्क्स का हो सकता है ना। आपको आपने बिजनेस लॉ का स्ट्रेटजी वाला वीडियो देखा था जहाँ 4-4 मार्क्स के क्वेश्चन बन रहे थे, तो अब जरा ध्यान दो, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, पूरा क्वेश्चन रीड करने के बाद आप ये आइडेंटिफाई कर लेते हो कि जो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन का पेपर साइंड हुआ है उस पे जो पार्टनर्स एग्री हो वहाँ पे लिखा है मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स। दैट मीन्स अगर पार्टनर्स की मेजॉरिटी है, इसका सिंपल सा मतलब क्या है, अगर पार्टनर ए बी सी एंड डी पार्टनर हैं, बी एग्री नहीं कर रहे हैं बट ए एंड सी एंड डी एग्री कर, दैट मीन्स ए सी डी ये क्या है सर, मेजॉरिटी में चला गया। अगर सारे पार्टनर एग्री करते तो हम बोलते हैं स्टेटमेंट शैल बी साइन बाई ऑल द पार्टनर। तो अगर स्टेटमेंट मेजॉरिटी में साइन हो रहा है रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, स्टेटमेंट ऑल पार्टनर साइन कर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन पॉसिबल है। थर्ड पार्ट की बात करेंगे, फर्म नेम नॉट कंटेन्स, जो फर्म का पार्टनरशिप फर्म का जो नेम होगा वो उसमें क्राउन, एम्पायर, इंपीरियल, किंग, क्वीन, रॉयल ये वर्ड नहीं होनी चाहिए। बट सर आप मुझसे ये क्वेश्चन एज कर सकते हो, सर हमने तो देखा है हमारे यहाँ रॉयल होटल्स हैं, इंपीरियल ब्लू के ऑर्गेनाइजेशन हैं, तो वो कैसे हैं, तो उसका आंसर बताता हूँ आपको। अगर यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट का अप्रूवल मिलता है, ये ध्यान रखना बात को, है ना, अप्रूव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, अगर स्टेट गवर्नमेंट अप्रूवल देती है तो आप ये नेम रख सकते हो पार्टनरशिप फर्म का। अब इस दिन को आपके पूरे क्वेश्चन को आपने रीड करा और उसमें एट द एंड मेंशन है कि ये फर्म का नेम है और स्टेट गवर्नमेंट से अप्रूवल मिला है तो लीगल है और रजिस्ट्रेशन वहाँ पे होगा। पार्ट क्लियर पहला। सेकंड टॉपिक की बात करते हैं, ये सेकंड टॉपिक है हम लोग का कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। देखो इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले ये समझना इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारी फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो सबसे ज़्यादा लॉस किसको होने वाला है, क्या वो थर्ड पार्टी मतलब आउटसाइडर को होगा या पार्टनर्स को होगा। तो सर इसका सिंपल सा आंसर है पार्टनर्स को होगा। क्यों होगा आइए देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले समझ लो डिसेबिलिटीज, जानने से पहले हमको जानना है क्या सर कोई पेनल्टी लगेगी, नहीं जी नहीं, नहीं लगेगी। और यही रीज़न है कि सेट ऑफ 100 रुपीज़ का क्लेम होता है। अब सोचो आज जिस दौर में हम हैं 21वीं सदी में 2019 में, अगर आपसे कोई ये बोलता है कि बेटा अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो 100 रुपये देना चल जाएगा, तो जरा सोचो कितना इजी है। बट क्या डिसएबिलिटीज हैं देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, नो सूट अगेंस्ट द थर्ड पार्टी। मीन्स अब क्वेश्चन पढ़ के, अगर कोई क्वेश्चन है आपको पढ़ के ये लगता है कि आपको थर्ड पार्टी चीट करी, मान लो आप कोई डेटर्स हैं जहाँ से पैसे आपको रिसीव होने हैं नियर फ्यूचर, बट वो पैसे नहीं पेमेंट कर रहे, तो आप क्या कर सकते हो सर, आप केस फाइल कर सकते हो। बट अगर आपका फर्म नॉन रजिस्टर्ड है तो आप केस फाइल नहीं कर सकते, नो सूट अगेंस्ट द थर्ड पार्टी, आप केस फाइल नहीं कर पाओगे। पॉइंट नंबर 2,
नो रिलीफ टू पार्टनर फॉर सेट ऑफ क्लेम, पार्टनर्स को कोई भी रिलीफ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा जी? सिंपल, हमारी फर्म रजिस्टर्ड अगर है ही नहीं तो हम कहीं भी किसी भी तरह का क्लेम नहीं कर सकते हैं। थर्ड पार्ट की बात कर लेते हैं, एग्रीव्ड पार्टनर। देखो अभी एग्रीव्ड पार्टनर की अगर हम बात करें, आपने अगर कॉन्ट्रैक्ट, मैं ये एज्यूम करके इस वक्त पढ़ा रहा हूँ, पहले आपको क्लियर कर दूँ, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं ये पूरा का पूरा वीडियो जून अटेम्प्ट को ध्यान में रख के ही बनाया जा रहा है। अगर कुछ नवंबर वाले बच्चे हैं तो वो सीख सकते हैं, बट ये बोलूँगा नवंबर के लिए हम लोग सेपरेट वीडियो बनाएंगे। बिकॉज क्या हो रहा है कि मैं देख रहा हूँ कुछ अभी बच्चों का रिसेंटली कमेंट आया था, मैंने रैंडमली उसको चेक करा, तो बोला सर स्पीड थोड़ी सी अगर स्लो कर ली जाए, तो यार स्पीड स्लो कर सकते हैं बट उससे वीडियो एक से दो घंटे तक पहुंच जाएगा, पहली चीज। दूसरा, स्पीड स्लो हो जाएगी बट आप देखो इसको मैं और इजीली और स्लो स्लो बताऊंगा तो कंटेंट कुछ और डिलीवर नहीं होगा। पॉइंट नंबर थर्ड, अगर मैंने स्पीड स्लो करी तो उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, जिन बच्चों का पेपर जून में है उनको मैं सारे वीडियोस नहीं दे पाऊंगा। तो मेरी अभी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो जून अटेम्प्ट वाले स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं सारे वीडियोस देना चाह रहा हूं। नंबर वाले टेंशन मत लो, जितना हो पा रहा वीडियोस कवर करो, वीडियो की यूट्यूब पे स्पीड भी तो स्लो हो सकती है ना यार, ट्राई करो, है ना। चलो आते हैं एग्रीव्ड पार्टनर। अभी एग्रीव्ड पार्टनर है क्या सर? अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है तो कॉन्ट्रैक्ट में एक वर्ड आपने पढ़ा होगा, कोर्सिन अंडर इन्फ्लुएंस मिसरिप्रेजेंटेशन फ्रॉड। क्या होता था वहाँ पे? लाइक कोर्सिन, आपने किसी को है ना लगाई कस के, तो वो आप पे क्लेम करना चाहता है, क्यों? क्योंकि आपने उसको मारा पीटा है। या फिर अंडर इन्फ्लुएंस, आपने उसको मेंटल टॉर्चर करा है, इमोशनल ब्लैकमेल किया है ना। जैसे मान लो आपका कोई फ्रेंड आपसे बोलता है यार अगर तूने CA क्वालिफाइड नहीं किया ना इस अटेम्प्ट में फाउंडेशन तो मैं अच्छे से कूद जाऊँगा। गलत बात है यार, क्यों कूद जाओगे, है ना। तो ये क्या, वो आपको इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है, बट उसे बोलो यार ठहर जाओ, हम लोग बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, हो जाएंगे क्लियर। तो पॉइंट ये है कि अगर कुछ ऐसी कंडीशन बनती है तो वहाँ पे वो पार्टनर एग्रीव पार्टनर होगा, मतलब वो पार्टनर जिसको कुछ ना कुछ लॉसेज हुए हैं। तो लाइन क्या है, अगर आपकी फर्म रजिस्टर्ड नहीं है, एग्रीव पार्टनर कैन नॉट ब्रिंग लीगल एक्शन, आप किसी भी पार्टी के अगेंस्ट में कोई लीगल एक्शन नहीं परफॉर्म कर सकते हो अगेंस्ट अदर पार्टनर और फर्म। लाइक एज्यूम करो आपको भी अच्छे से पता है एक्सपेल्शन ऑफ पार्टनर इन द फेयर, लाइक बिजनेस की फेथ के लिए अगर है ना, बिजनेस के लिए बेनिफिशियल है तो एक्सपेल्शन मतलब पार्टनर्स को निकाला जाना लीगल माना जाता है, अदरवाइज पार्टनर्स का एक्सपेल्शन लीगल नहीं होता है। पार्टनरशिप में बात समझाई गई है। अब जरा देखो ABCD हैं, ACD एग्री करके उन्होंने कहा भाई एक काम करते हैं B को भगाते हैं, बड़ा नाटक कर रहा है ये। तो क्या यहाँ पर, जब ये केस ध्यान समझना, पूरा क्वेश्चन रीड करना है आपको, केस स्टडी आई, क्वेश्चन रीड करा, पूरे क्वेश्चन में आपको ये समझ आ गया कि ABCD चार पार्टनर थे और उन्होंने क्या करा, बी को फर्म से एक्सपल्शन कर दिया, निकाल दिया। तो आपसे पूछा गया अब बी के पास क्या ऑप्शन बचा है, तो हम सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करेंगे, आइदर फर्म आर रजिस्टर्ड और नॉन रजिस्टर्ड। अगर रजिस्टर्ड है तो लीगल एक्शन भी परफॉर्म करेंगे और जीतेंगे भी केस, बट अगर फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो क्या फर्क पाएगा सर, अग्रीव्ड पार्टी बी हो गए, कैन लीगल एक्शन कर ही नहीं सकते किसी अगेंस्ट में, अगेंस्ट अदर पार्टनर, ये इन पार्टनर्स के अगेंस्ट में केस फाइल नहीं कर सकते हैं। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैंने बोला था सबसे ज़्यादा लॉस किसको होगा, पार्टनर को होगा। लास्ट पार्ट पे आएंगे, थर्ड पार्टी कैन सू द फर्म। देखो भला, मतलब हम तुम पे केस नहीं कर सकते, तुम हम पे केस कर सकते हो, ये कुछ ऐसी सिचुएशन है। और ये क्यों हो रहा है सर, क्योंकि आपने अपनी फर्म को रजिस्टर्ड नहीं कराया है। तो बहुत ही सिंपल है, इसको हम कंक्लूजन पे अगर पहुँचे तो दो हेड होंगे, फर्स्ट वन इज पार्टनर, सेकंड वन इज थर्ड पार्टी। तो अब जरा समझना, अगर आपकी फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो जो लॉस होगा वो किसको होगा, एक लाइन में किसको होगा, पार्टनर्स को होगा, पूरा का पूरा लॉस। क्यों होगा सर, क्योंकि फर्म रजिस्टर्ड नहीं तो उसके सारे राइट्स उससे हट जाएंगे। तो सिंप्लीफाई करें अगर चीज़ों को, क्वेश्चन पढ़ने के बाद अगर आइडेंटिफाई हुआ कि फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो हमें ये समझ जाना है कि सारे सारे लॉस किसको मिलेंगे, पार्टनर्स को, थर्ड पार्टी को किसी तरह का लॉस नहीं हुआ। इवन थर्ड पार्टी कैन सू द फर्म, थर्ड पार्टी क्लेम कर लेगी, क्यों, हम लीगल एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं नॉन रजिस्ट्रेशन करके। तो दो टॉपिक खूब समझ आ गए होंगे, इनको आप नोट कर लो, फिर हम आते हैं टॉपिक नंबर थर्ड एंड फोर्थ पर, ठीक है जी। फर्स्ट एंड सेकंड हम लोगों ने कवर कर लिया, अब बारी हम टॉपिक नंबर थर्ड एंड फोर्थ कवर करें। जो भी पॉइंट्स यहाँ लिखे हैं इनमें जो मैं पॉइंट्स एडिशनल ऐड करूंगा उनको बहुत अच्छे ध्यान दीजिएगा, कंक्लूजन वहीं से निकलेगा। तो देख लेते हैं, टॉपिक फर्स्ट सेकंड हो चुका है, टॉपिक नंबर थर्ड एंड फोर्थ कवर करते हैं। आज का वीडियो थोड़ा शॉर्ट होगा क्योंकि यूनिट थर्ड ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, यूनिट सेकंड पे पूरा वेटेज था जिसको हमने अराउंड 30 मिनट्स प्लस हो गया था वीडियो आज का। इवन एक बच्चे ने मुझे कमेंट, शायद सिखा नाम है बच्चे का, उसने कमेंट भी किया था सर वीडियो आप और लेंदी कर सकते हो, तो मुझे बताना अगर आपको लगता है कि नहीं वीडियो लेंदी हो सकता है। 8 days के चैलेंज में लॉ तो कंप्लीट करके मानेंगे, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। अगर आप चाहते हो तो वीडियो हम लेंथ भी बढ़ा सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं।
चलो टॉपिक नंबर थर्ड में देखेंगे। टॉपिक नंबर थर्ड एक लाइन में कंक्लूजन है सर। टॉपिक थर्ड है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, तो एक लाइन है द होल फर्म इज डिसॉल्व। लाइक जब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होती है तो फर्म कंटिन्यू हो सकती है, बट अगर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हो गई, बोला था ना कल, तबाही होगी। तो ध्यान के रखेंगे आप, सेक्शन नंबर 39 टू सेक्शन नंबर 47 में क्या दिया गया है सर, द होल फर्म इज डिसॉल्व। कुछ बच्चों का क्वेश्चन ये हो सकता है सर कि क्या ये सेक्शन लिखने इंपॉर्टेंट है? नहीं है जी, मत लिखिए। लेकिन अगर आप चाहते हो कि हमें मार्क्स सबसे ज़्यादा मिले, और अगर आपकी गोल सेटिंग 55 प्लस की है आउट ऑफ 60, तो सर बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप सेक्शन का रेफरेंस दोगे ना, तो एग्जामिनर ये समझ पाएगा कि बच्चे ने रटा नहीं है, समझा है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप रेफरेंस दिया आपने, लेकिन आपको डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मिला तो आपने कहा सेक्शन 39 टू 47 रेफरेंस दिया वहाँ पर, सर कमाल कर दोगे आप। लॉ में लॉ का वर्ड देखो ना, लॉ और सेक्शन ना होना मजाक है क्या? चलो आते हैं, इसमें दो पार्ट है। फर्स्ट वन इज डिसोल्यूशन विदाउट द ऑर्डर ऑफ कोर्ट, विदाउट द ऑर्डर ऑफ कोर्ट, और दूसरा डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट। अब जरा इसको समझ लेते हैं, बहुत अच्छे समझना। देखो डिसोल्यूशन विदाउट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, दैट मीन्स कोर्ट ने नहीं बोला डिसॉल्व करो, आपकी इंटरनल फीलिंग आ रही ना, कहते ना अंदर की आवाज, ये आपकी है कि यार फर्म को ख़त्म करते हैं। इसका क्या मतलब निकल के आ रहा है, ये जो लाइन है ये कैसा डिसोल्यूशन होगा, वॉलंट्री, बात समझ आ रही है, वॉलंट्री डिसोल्यूशन। यहाँ पर आप डिसाइड कर रहे हो, मींस ये आपकी इच्छा से हो रहा है कि भैया चलो फर्म को ख़त्म किया जाए, तो इसको बोलेंगे वॉलंट्री डिसोल्यूशन। दैट मीन्स वो लाइन सुनी आपने कि जिसको मार जन्म देने वाला ऊपर वाला है, उसको मार भी ऊपर वाला ही सकता है, तो ये वैसा ही है। अब जरा बताओ पार्टनरशिप फॉर्म्ड बाय एग्रीमेंट, तो अगर पार्टनरशिप फॉर्म्ड बाय एग्रीमेंट तो पार्टनरशिप डिसॉल्व बाय एग्रीमेंट, पहला पार्ट क्लियर हो गया, सिंपल है। अब बात आती है कंपल्सरी डिसोल्यूशन की, जरा देखो कंपल्सरी डिसोल्यूशन कब होगा, यार बड़ी सिंपल सी लाइन है, जब ना आप सारे के सारे काम कैसे कर रहे हो, इलीगल कर रहे हो, कैसे है सर, इलीगल वर्क अगर परफॉर्म हो रहा है तो डिसोल्यूशन कैसा होगा, कंपल्सरी होगा, लाइन क्लियर है। थर्ड पार्ट की बात करेंगे, डिसोल्यूशन ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिजेंसी, कंटिजेंसी पता है आपको ना, जो एंटिसिपेटेड है, पता नहीं कि क्या होगा लेकिन हो सकता है, अगर हो सकता है तो कंटिजेंट है, तो लाइन क्या, डिसोल्यूशन ऑन द हैपनिंग ऑफ, अभी क्या हैपनिंग हो सकती है, दो ही हैं सर, मैं लिख देता हूँ। पॉइंट नंबर वन, डेथ ऑफ ऑल द पार्टनर्स, लाइक जब मैं ऑफ क्लास से ले रहा होता हूँ, जब मैं टॉपिक कवर कर रहा था तो बच्चे बोलते हैं सर लाइक ए बी सी हैं, ए की डेथ होगी तो बी और सी तो पार्टनरशिप परफॉर्म कर सकते हैं, सच बात है। जब मैं उनको एग्जाम्पल तो कहते सर मान ली सब मर गए तो, है ना, या फिर इंस्टॉलमेंट हैं सर, सारे इंस्टॉलमेंट, यार देखो सारी कंडीशन उसी फर्म पे नहीं आ जाएगी, बट येस अगर आपको क्वेश्चन पढ़ने से ऐसा फील हुआ तो आंसर आपको प्लग करना है। तो पहली जो मिस हैपनिंग है वो क्या, डेथ हो रही, दूसरी इंसॉल्वेंसी सर, तीसरा और कुछ नहीं है। रीज़न क्या है उसका, रिटायरमेंट सब एक साथ नहीं ले सकते, बिकॉज रिटायरमेंट प्री प्लान होता है, बट डेथ एंड इंसॉल्वेंसी प्री प्लान नहीं होती, और यही रीज़न है, उसको हम क्या बोलते हैं, कंटिजेंसी। क्लियर, आते हैं फोर्थ पार्ट पर जो कि डिसोल्यूशन बाय नोटिस। तो जरा बताओ, जब मैंने पार्ट वन का वीडियो बनाया था पार्टनरशिप का, तो उसमें मैंने एक लाइन बोली थी, अगर आपने ध्यान से सुना है तो आप इसका आंसर बहुत ईजिली कर पाओगे, हालांकि मैं ये बताने वाला हूँ। पार्ट वन में जब मैं बता रहा था टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, तो वहाँ पे एक लाइन आई थी, पार्टनरशिप एट विल आई थी ना सर, पार्टनरशिप एट विल मैंने क्या बताया था, अगर ये फॉर्म्ड होती है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, और जैसे ही फॉर्म्ड होती है इसको क्लोज करना है, तो आपको सिंपली एक पब्लिक नोटिस इशू करना पड़ेगा। तो डिसोल्यूशन बाय पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन बाय नोटिस किस में इंप्लीमेंट होगा, लिख लो इसको, पार्टनरशिप एट विल। अगर पार्टनरशिप एट विल है तो डिसोल्यूशन करना है फर्म का, तो क्योंकि वॉलंटरी है, आपकी इच्छा पर हो रहा है, तो आप सिंपली एक नोटिस दो और आपकी पार्टनरशिप क्लोज होगी, कौन सी, एट विल वाली। अगर जनरल नेचर पार्टनरशिप है, और ध्यान होगा मैंने लाइन और बोली थी, अगर फिक्स पार्टनरशिप है बट उसका टाइम पीरियड एक्सपायर हो गया है और फिर भी वो कंटिन्यू कर रहे हैं, तो कौन सी पार्टनरशिप होगी, पार्टनरशिप एट विल। क्वेश्चन स्मार्ट गेम कर सकता है, क्वेश्चन में लिखा होगा टाइम पीरियड क्लोज होगा, उसके बाद भी पार्टनरशिप फर्म कंटिन्यू कर रही है, एट द एंड क्वेश्चन में दिया गया फर्म डिसॉल्व हुई, कौन से पार्ट पे आएगी सर, तो आपको लिखना पड़ेगा डिसोल्यूशन बाय नोटिस, बिकॉज दिस पार्टनरशिप इज पार्टनरशिप एट विल। क्लियर पॉइंट ये। चलो हमने बात करी डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म की, जहाँ पूरी पूरी फर्म डिसॉल्व हो रही थी, तो पहला पार्ट हमने समझा विदाउट द ऑर्डर ऑफ कोर्ट, अब समझने वाले डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट। अभी देखो कोर्ट बीच में क्यों आएगा, सीधा सा मतलब है आप कुछ तो इलीगल कर रहे हो, या कुछ तो लॉ के अगेंस्ट कर रहे हो, या फिर कुछ पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट कर रहे हो, और इसी बोलूँ सोशल वेलफेयर, पब्लिक पॉलिसी अगेंस्ट चीजें जाएंगी तो कोर्ट बीच में आएगा। अब पॉइंट देखते हैं क्या है, लाइक सबसे पहला पॉइंट है इंसेंटिव, ये यूँ कह लीजिए अनसाउंड माइंड। लाइक अनसाउंड माइंड कौन है,
आपने जब अभी जब आपको कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाऊंगा तो कॉन्ट्रैक्ट में चीज़ें आएंगी कि वो कौन कौन से लोग हैं जो एलिजिबल हैं, जिनमें ये एलिमेंट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। उसमें माइनर है, अनसाउंड माइंड पर्सन है ना। तो अनसाउंड माइंड को हम क्या बोलते हैं, पागल। कितने तरह के होते हैं सर? तीन तरह के होते हैं, है ना। वो आप पढ़ोगे, जब मैं कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाऊंगा चीज़ें आएंगी। बट अगर पर्सन अनसाउंड माइंड है, अनसाउंड माइंड मीन्स जो फ्रीली डिसीजंस नहीं ले सकते हो, है ना, जिनका ये ऊपर का जो माला है वो खाली है। तो अगर ऐसा है तो कोर्ट वहाँ पर डिसाइड कर लेगा। पॉइंट नंबर टू, परमानेंट इनकैपेसिटी। इनकैपेसिटी का मतलब क्या है सर? आप लाइबिलिटी बियर करने के लिए रेडी नहीं हो, इनकैपेबल हो। अगर इनकैपेबल हो तो क्या होगा, यहाँ पर कोर्ट डिसाइड करेगी। पॉइंट नंबर थ्री, मिसकंडक्ट। आप मिसकंडक्ट कर रहे हो, मिसरिप्रेजेंट कर रहे हो, मिसलीड कर रहे हो किसी भी तरीके से अगर, तो क्या होगा, यहाँ पे भी फर्म डिसॉल्व होगी। पॉइंट नंबर फोर, परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट। एक लाइन लिखता हूँ, ध्यान से देखो। परसिस्टेंट बीट्स रेजिस्टेंट, बहुत अच्छा कोर्ट से। अगर आप परसिस्टेंट हो, लाइक अगर आप हम लोग के पहले 10 दिन का शेड्यूल देखो, हम लोग परसिस्टेंट हैं। और अगर आप कंसिस्टेंट हो, रिजल्ट बहुत छोटी चीज़ है, बहुत इजीली क्लियर करोगे आप। तो परसिस्टेंट बीट रेजिस्टेंस, यहाँ पे बोला गया परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट। बीट्स नहीं बोल रहा है, ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट मीन्स आपने एग्रीमेंट तोड़ा है, और एक बार नहीं, परसिस्टेंट लगातार। जैसे आप लगातार पढ़ रहे हो ना, हर दिन शाम को 6 बजे आप वीडियो, मैंने कल जब कंप्यूटर टाइम में डाला था और बाय डिफॉल्ट वीडियो नहीं पब्लिश हो पाया था, तो आपके कमेंट्स मैंने देखे और मुझे ये रियलाइज़ कराया आपने कि एक्चुअली जो फैमिली है हम लोग की, वो कितना, मतलब एक अलग सा ही कॉम्बिनेशन हमारा आपका है ना। मैं देखता हूँ लोगों की किस तरीके लोग कमेंट्स करते हैं, तो अच्छा फील होता है कि मैं जो एफर्ट आपके डाल रहा हूँ, मतलब आपका जो रिस्पांस आता है, वहाँ फील होता है कि कंसीडरेशन बहुत छोटी चीज़ होती है, ये जो है वो मोर देन अबव है ना। तो पर्सन ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट, अगर आप पर्सन मतलब कंटिन्यूसली, अगर आप लगातार एग्रीमेंट तोड़े जा रहे हो, तो वहाँ पे भी कोर्ट को डिसाइड करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। ये टॉपिक्स कवर कर चुका हूँ। आप अपना इंटरेस्ट का मतलब मैंने क्या बताया था, यूनिट सेकंड का टॉपिक है ये, है ना। जहाँ यूनिट सेकंड मैंने बोला था ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, आप अपना प्रॉफिट ट्रांसफर कर सकते हो, बट यस, प्रॉफिट के साथ साथ लाइबिलिटीज आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, और यहाँ पे कोर्ट डिसाइड करेगा। फिर आता है कंटिन्यूस लॉसेस। सर एक बात समझना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूँ। देखो, आप एज अ पार्टनर कोर्ट में पिटीशन फाइल कर सकते हो कि सर मुझे डिसॉल्व कर दीजिए, मुझे इंस्टॉलमेंट डिक्लेयर करिए, जिससे मेरी फर्म डिसॉल्व हो जाए। अब इस टाइम पीरियड में आप अगर किसी फर्म के पार्टनर बनना चाहते हो, ठीक है जी, तो आप पार्टनर बन जाओगे। अब बताओ क्यों? क्योंकि अभी आपने पिटीशन फाइल करी है, अभी आप इंस्टॉलमेंट नहीं हुए। वहीं अगेंस्ट उसकी बात कर लें, अगर कोर्ट आपको इंस्टॉलमेंट कर चुकी है, आप इंस्टॉलमेंट ऑन पेपर डिक्लेयर हो गए हो, तो अब आप अगर पिटीशन फाइल करना चाहते हो किसी और चीज़ के लिए, या एग्रीमेंट करना चाहते हो, तो आपसे एग्रीमेंट नहीं हुआ, बिकॉज आप इनकैपेबल हो जाओगे, ठीक है जी। अगला पार्ट करेंगे कंटिन्यूस लॉस। आप लगातार लॉस हो रहा है तो भी कोर्ट बोले कि भैया बंद करो, कब तक करोगे। अगला पार्ट आता है जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड। अगर कोर्ट को लगता है कि आपकी फर्म में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से सोशल वेलफेयर कम हो रहा है, या फिर पब्लिक के अगेंस्ट जा रही हैं, तो भी एक इक्विटेबल ग्राउंड पे इजीली आपसे कंसल्ट करके क्लोज करेंगे। एट द एंड गैम्बलिंग बाय ए पार्टनर, है ना, मोना डार्लिंग। तो गैम्बलिंग बाय ए पार्टनर, अगर कोई पार्टनर कुछ ऐसा कर रहा है, जो मैंने डायलॉग मारा ना सोली मूवी का था, ध्यान है आपको, अगर कुछ ऐसा हो रहा है, गैम्बलिंग हो रही है किसी भी पार्टनर की, लाइक कोई भी, मतलब जरूरी नहीं है सारे पार्टनर करें, बट कोई एक पार्टनर भी अगर कर रहा है, तो बाकी पार्टनर्स काम के लिए लाइबल होंगे, और इसी वजह से वो फर्म इलीगल वर्क में मानी जाएगी। एंड देन कोर्ट अगेन डिसाइड करेगा कि भैया इसको बंद कर दो। तो डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म में क्या है, द होल फर्म इज डिसॉल्व, कंक्लूजन ही है। सेक्शन 39 से 47 आते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे, जो कि मोड ऑफ गिविंग पब्लिक नोटिस। हमें ये तो पता लग गया यार पब्लिक नोटिस देना पड़ता है, बट किस फॉर्म में देना है वो समझ लेते हैं। चलिए टॉपिक नंबर 5 स्टार्ट करने से पहले आपको बोलूंगा, आपके मॉड्यूल में एक टॉपिक दिया गया है जो है कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिसोल्यूशन, सेक्शन 45 से 55। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और इसको ज़रूर रीड कर लीजिएगा। मैं आपको कुछ इसके शॉर्ट टर्म बता दे रहा हूँ, आप अपने मॉड्यूल साथ है ना आपके, उसमें आप अंडरलाइन कर लेना, है ना। फटाफट से कवर कर लेता हूँ, फिर लास्ट में आपका ये टॉपिक थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा और इस वीडियो क्लोज करेंगे। तो जल्दी सुन लीजिए, सबसे पहले कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिसोल्यूशन सेक्शन 45 से 55 में बेसिकली है क्या। डिसोल्यूशन अगर है तो जो पार्टनर्स के राइट्स एंड ड्यूटीज़, हमने यूनिट 2 में जो शेयर करा था आपसे, जो भी राइट्स मैंने आपको बताया सेक्शन 9 से लेकर 34 तक, उससे रिलेटेड टॉपिक है। बट इसमें कुछ मेन पॉइंट्स हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, अंडरलाइन कर लो आप।
या लिख लो आप उसको ढूंढ के फिर अंडरलाइन करना। लाइबिलिटीज फॉर एक्ट ऑफ पार्टनर्स डन आफ्टर डिसोल्यूशन सेक्शन 45 में अगर, तो आप इस लाइन का मतलब समझ लो, लाइबिलिटी फॉर एक्ट ऑफ पार्टनर्स डन आफ्टर डिसोल्यूशन, अगर पार्टनर्स ने डिसोल्यूशन के बाद कोई लाइबिलिटी बेयर करी, कोई एक्ट परफॉर्म करा, तो लाइन लिखना पार्टनर्स कंटिन्यूस टू बी लाइबल। अगर पार्टनर्स ने किया है तो पार्टनर फिर भी कंटिन्यू होगा, लाइबल होगा, जब तक वो क्या नहीं कर देगा, पब्लिक नोटिस नहीं देगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट की बात करें, राइट ऑफ पार्टनर टू हैव बिजनेस वाउंड अप आफ्टर डिसोल्यूशन, अगर ऐसा है तो हम इसमें लाइन लिखना प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म अप्लाइड इन पेमेंट ऑफ द डेब्ट एंड लाइबिलिटीज ऑफ द फर्म। अगर कुछ पहले हम क्या करेंगे, जो फर्म की प्रॉपर्टी है उससे फर्म के डेब्ट को और लाइबिलिटीज को पे ऑफ करेंगे, अगर कुछ सरप्लस बचा तो पार्टनर्स की जो शेयरिंग रेशियो होगा उसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा। पॉइंट नंबर सी की बात करते हैं, कंटिन्यूइंग अथॉरिटी ऑफ पार्टनर्स फॉर पर्पज ऑफ वाइंडिंग अप ईच पार्टनर बाइंड द फर्म। ये लाइन आपको पता है, हर पार्टनर दूसरे पार्टनर को और इवन पूरी फर्म को बाउंड करता है। आते हैं अगले पॉइंट पर, लाइक म्यूचुअल राइट्स की बात कर रहा हूँ। अब बात आती है डी पॉइंट की, इसमें लिखा गया है सेटलमेंट ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट्स। बहुत ही सिंपल है, कोई भी लॉसेज है फर्स्ट ऑफ ऑल वो प्रॉफिट से कैरी फॉरवर्ड करा जाएगा, प्रॉफिट से हो गया फिर वो कैपिटल से होगा, कैपिटल से होने के बाद पार्टनर्स को इंडिविजुअली उसे करना पड़ेगा। अगर बात आती है एसेट्स की, तो सबसे पहले थर्ड पार्टी की डेट पे किए जाएंगे, फिर लाइबिलिटीज पे होंगे, और एट द एंड अगर कुछ बचेगा, देखो बचा सरप्लस, कम पड़ा तो डेफिसिट, सरप्लस बचा तो पार्टनर ले रहे हैं, अगर डेफिसिट होगा तो कौन लेगा, ऑब्वियस सी बात है पार्टनर्स लेंगे। अब बात आती है ई पॉइंट की, जो कि पेमेंट ऑफ फर्म डेब्ट एंड सेपरेट डेब्ट। बहुत ही सिंपल है, देखो फर्म का डेब्ट पे करना है तो प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म से होगा, सेपरेट की बात करूंगा इन सेपरेट प्रॉपर्टी ऑफ एनी अदर पार्टनर अप्लाइड फर्स्ट इन द पेमेंट ऑफ इज सेपरेट डेब्ट, है ना। सबसे पहले जो सेपरेट प्रॉपर्टी है, लाइक मेरी प्रॉपर्टी, सबसे पहले उससे मुझे मेरे जो लोन है, मेरी जो कैपिटल अमाउंट है वो मुझे पे ऑफ हो जाएंगी, अगर वो बचा तो जो फर्म की डेब्ट रिमेनिंग है उनका पेमेंट उस प्रॉपर्टी जो मेरी है इंडिविजुअल प्रॉपर्टी से, सेपरेट प्रॉपर्टी से करना पड़ेगा। फिर बात आती है सर सेक्शन एफ नंबर की, सेक्शन 50 है पर्सनल प्रॉफिट अर्न आफ्टर डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन हो गया, देखो समझना इस पॉइंट को, मैंने पहला पॉइंट बोला डिसोल्यूशन होने के बाद अगर आपने कुछ लाइबिलिटी बेयर करी तो आप लाइबल हो, ठीक है, ऐसे ही अगर आपने प्रॉफिट अर्न कर लिया तो आप रिमेनिंग पार्टनर्स के लिए अकाउंटेबल हो, आपको अकाउंटिंग करनी पड़ेगी उसकी, ठीक है जी। अगला पॉइंट आता है रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑन प्री मेच्योर डिसोल्यूशन, कुछ खास नहीं है यहाँ पे, बोलते हैं प्री मेच्योर डिसोल्यूशन क्या है, प्री मेच्योर की जब हम बात करें दैट मीन्स कि हमारी जो पार्टनरशिप है किस नेचर की है, फिक्स्ड है ना। अगर पार्टनरशिप फिक्स नेचर की है, लाइक टाइम पीरियड फिक्स है और उससे पहले डेथ होती है, इंसॉल्वेंसी होती है, हम बोलते हैं प्री मेच्योर हुआ है। तो यहाँ पे क्या करना है, ओइंग द फॉल्ट ऑफ बोथ, आपको दोनों की फॉल्ट को चेक करना पड़ेगा, देन रियलाइज करना पड़ेगा। फिर एक पार्ट जो इंपॉर्टेंट है, एच छोड़ रहा हूँ, आई सबसे लास्ट वाला, एच वाला बहुत सिंपल है करना, मिसरिप्रेजेंटेशन रिलेटेड है। आई पार्ट सेल ऑफ गुडविल आफ्टर डिसोल्यूशन, अगर आपने गुडविल सेल करी डिसोल्यूशन के बाद, सेक्शन 55 में है, सोल्ड आइदर सेपरेटली अलॉन्ग विथ प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, या तो आप गुडविल को सेपरेट भी सोल्ड कर सकते हो बिकॉज वो एसेट्स का पार्ट है, या फिर फर्म की प्रॉपर्टी एसेट्स के साथ भी सोल्ड कर सकते हो, ये आप कवर कर लेना। अब जरा कर लेते हैं जल्दी से मोड ऑफ गिविंग पब्लिक नोटिस, और इंपॉर्टेंट है ये, है ना, देख लेते हैं। तीन पॉइंट बहुत छोटे से हैं, सेक्शन 63 में लिखा गया बाय नोटिस टू द रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म, यार जहाँ पे हमने फर्म रजिस्टर कराई थी पहले हमें उन्हें बताना पड़ेगा कि हमें ये फर्म क्लोज करनी। पॉइंट नंबर टू, ऑफिशियल गजट, ऑफिशियल गजट का मतलब क्या है कि जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, कोरा कागज नहीं चलेगा, ऑफिशियल गजट पर ही करना पड़ेगा, जो पेपर अथराइज्ड होंगे, लाइक स्टैम्प पेपर भी कह सकते हो आप। एट द एंड थर्ड पार्ट की बात करेंगे, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, जहां पर आपका बिजनेस स्टेबल है वो लोकल एरिया, वहां के लोकल न्यूज़पेपर, लोकल न्यूज़ चैनल पर भी ये चीज़ में पब्लिश करनी पड़ेगी। पब्लिश करने का मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम पब्लिक नोटिस दे रहे हैं कि सर हमारी फर्म डिसॉल्व हो चुकी है। सो फाइनली हमने कर लिया यूनिट 3 कंप्लीट, ये 15 मार्क्स आपके हो चुके हैं, तो चलो लग जाओ पढ़ने। और एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जितना हो सकता है पढ़ो, शानदार तरीके से पढ़िए, मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट मुझे में बता दीजिएगा कि आपको सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट या फिर कंपनीज एक्ट, लाइक 1930 या 2013, किसका वीडियो नेक्स्ट चाहिए मुझे बताइएगा, इससे कल ही वीडियो में पब्लिश कर सकूँ, है ना। लग जाइए, पढ़ते रहिए, गुड लक।